इच्छा का मान तो रखना ही पड़ता है। चारू और नीरज की भी डेस्टिनेशन वेडिंग होनी चाहिए। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, किसी ने चारू के साथ हमें बात कर उनको पता नहीं पड़ी। खुद तो बड़ी बड़ी बातें छुपाती है, और तुम चाह रही हो कि चारू भी किसी से कुछ ना करे। अपना तुमने उसकी हालत देखी है, ऐसे में हमने उसका भरोसा तोड़ दिया, सबको सच बता दिया तो वो घर छोड़ के चली जाएगी। तो मैं क्या करूं, हाथ पे हाथ रख के बैठा बहुत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चारू इतनी बैकवर्ड बातें क्यों कर रही है। वो किस बात से डर रही है, मैं और तुम उसके साथ में, उसने कोई गलती नहीं की तो वो क्यों डर रही है? फिर क्योंकि हम लड़कियां डर के यही सीखा होता है कि लड़के की गलती हो तो भी लड़की को ही भुगतना पड़ता है। सोसाइटी में, सोशल मीडिया पर सब लोग लड़की को ही ब्लेम करते हैं, यही कहते हैं कि उसने छोटे कपड़े पहने होंगे, वो रात को बाहर गई होगी, उसने लड़की को उकसाया होगा, वो लड़की से हंस हंस के बात कर रही होगी। आज भी पेरेंट्स बेटों को जल्दी घर आने के लिए नहीं कहते, लेकिन बेटी घर के 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती। ये डेडलाइंस, रूल्स, पनिशमेंट, ये सब सिर्फ गर्ल्स के लिए होते हैं, और ये लाखों रूल्स फॉलो करने के बाद भी अगर कुछ हो जाता है ना, तो भी कोई लड़की को सपोर्ट नहीं करता है।